सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या देख रहे हैं? कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन. सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, दीज आर सम ऑब्जेक्ट्स. द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग स्ट्रेट और कर्व लाइंस. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, कर्व लाइन फॉलो करते हैं, मतलब कर्व लाइन से बनते हैं, और कुछ स्ट्रेट लाइन से. ओके, सो दिस इज अ चौक. चौक की कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन. ओके, चौक कैसा है? स्ट्रेट लाइन में है, है ना. अब देखो, ये मेरे पास क्या है? कैरम का बीड है. ओके, सो ये क्या है? ये कर्व लाइन से बना है. देन मेरे पास देखो एक वैन का व्हील है, ये भी क्या है? कर्व लाइन से बना है, है ना. देन ये क्या है? स्केल है. स्केल भी क्या है? कर्व स्ट्रेट लाइन से बनी है. ओके, चॉक एंड स्केल हैविंग विच लाइन? स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड दीज टू आर हैविंग कर्व लाइन्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब देखो, ये हमने देखा. सपोज मेरे पास एक रोप है, है ना. अगर आपने इसको स्ट्रेच किया, ओके, इफ यू स्ट्रेच योर रोप टाइटली यू गेट अ स्ट्रेट लाइन. अगर हमने इसे टाइट पकड़ के रखा तो हमें क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है. ओके, एंड इफ यू होल्ड द रोप लूजली सो यू गेट अ कर्व लाइन. अगर आपने ऐसा लूज छोड़ दिया ये रोप, तो क्या होगा? हमें कर्व लाइन मिल जाएगी, है ना. इफ यू स्ट्रेच टाइटली सो यू गेट विच लाइन? स्ट्रेट लाइन. एंड इफ यू होल्ड द रोप लूजली सो यू गेट कर्व लाइन. ओके, सो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन. ओके, सो स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट होती है, बिल्कुल भी मुड़ती नहीं है. और कर्व लाइन क्या होती है? मुड़ती है. ओके, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है. ओपन द पेज नंबर 139. यहाँ पे कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. ओके, जो हमने अभी अभी देखे हैं. स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. मैंने आपको ये बताया, सर्कल एंड ओवल्स आर मेड ऑफ कर्व लाइन्स. ओके, सो अब देखो, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन्स दिए हैं नीचे, वो भी हम देखने वाले हैं. ओके, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंट. स्ट्रेट लाइन के थ्री पार्ट्स में डिवीजन होता है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंटिंग लाइन, ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन्स ही है. ओके, ये भी स्ट्रेट लाइन्स के ही टाइप्स है. ओके, अब देखो, हॉरिजेंटल लाइन, ऑब्जर्व द टॉप एंड बॉटम एजेस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, डोर एंड स्कूल बस. द लाइन्स फॉर्म बाय देम आर हॉरिजेंटल लाइन. अगर आपने फ्रिज का टॉप, स्कूल बस का टॉप या डोर का टॉप ऑब्जर्व किया, तो वो लाइन्स कौन सी आती है? कौन सी लाइन्स आपको फॉर्म होती हुई दिखती है? यस, हॉरिजेंटल लाइन. ओके, मतलब आप जिसको स्लिपिंग लाइन बोलते हो, है ना. हॉरिजेंटल लाइन आर ऑल्सो कॉल्ड स्लिपिंग लाइन. ओके, देन वर्टिकल लाइन्स, वेन लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज इन स्टैंडिंग पोजिशन, दे आर कॉल्ड वर्टिकल लाइन्स. सो वर्टिकल लाइन्स हम किसको बोलते हैं? टॉप टू बॉटम, जो स्टैंडिंग पोजिशन में दिखती है, जो खड़ी लाइन होती है, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं. ओके, सो अब देखो, यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स के कुछ एग्जांपल्स दिया है. ट्री है, ट्री क्या होता है? टॉप टू बॉटम खड़ा होता है ना, खड़ी लाइन दिखती है वहाँ पे, मतलब ये वर्टिकल लाइन दर्शाता है. ये क्या है? ट्रैफिक सिग्नल का पोल है, ये लाइट का पोल है, और ये कॉमन पोल है, मतलब हमारा जैसे स्कूल में फ्लैग का रहता है वैसे. ओके, सो पोल्स की लाइन्स, पोल्स कौन सी लाइन्स डिनोट करते हैं? स्ट्रेट लाइन्स, मतलब वर्टिकल लाइन्स. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है? स्लैंटिंग लाइन है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर. स्ट्रेट लाइन्स विच आर नेदर वर्टिकल नॉर हॉरिजेंटल आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन. जो स्ट्रेट लाइन्स वर्टिकल भी नहीं होती, टॉप टू बॉटम भी नहीं होती, और हॉरिजेंटल भी नहीं होती, स्टार्ट टू एंड तक भी नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं. स्लैंटिंग लाइन मीन्स तिरछी लाइन. ओके,
अब देखो ये दोनों बच्चे क्या खेल रहे हैं, सीसॉ खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं यहाँ पे, स्विंग्स खेल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सी लाइन तैयार हुई, स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पे भी स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पे भी स्लैंटिंग लाइन। मतलब स्लैंटिंग लाइन कैसी होती है स्टूडेंट्स, तिरछी होती है। कैसी होती है, तिरछी होती है। ओके सो अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे नोटबुक्स में ऑल लाइंस निकालते हैं पहले। ओके सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपकी मैथ्स की नोटबुक लेनी है। फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क, देन डेट, एंड यू हैव टू राइट टॉपिक नेम्स, आपको लिखना है लाइंस। ओके सो अब देखो हमने यहाँ पे आपको लाइंस निकालनी है। फर्स्ट लाइन जो निकाली है वो है, ये लाइन कौन सी है, हॉरिजेंटल लाइन। कौन सी लाइन है ये, हॉरिजेंटल लाइन। देन विच लाइन इज दिस, दिस इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। दिस इज स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। एंड अब हम निकालेंगे कर्व लाइन जो मुड़ती है। ओके कर्व लाइन। सो स्टूडेंट्स ये जो हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन्स है ना, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन के ही पार्ट है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन्स ही है। ओके एंड कर्व लाइन हमें पता है जो मुड़ती है। ओके सो आज आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लाइंस निकालनी है, उसके सामने उसके स्पेलिंग्स लिखने हैं, साथ में स्पेलिंग्स आपको लर्न भी करने हैं। ओके और मुझे एक ग्रुप पे फोटो सेंड करना है ना। साथ में आपको आपका टेक्स्ट बुक लेना है, पेज नंबर 140 निकालना है। ओके ये जो मैंने अभी अभी सिखाया है कर्व लाइंस एंड स्ट्रेट लाइंस, ये ऑल यहाँ तक आपको रीड करते जाना है, पिक्चर्स ऑब्जर्व करते जाने हैं। ओके और नीचे प्रैक्टिस कोर्स दिया है, ये भी आपको सॉल्व करना है। जो नोटबुक में दिया है वो भी होमवर्क करना है, और पेज नंबर 140 पे जो प्रैक्टिस कोर्स दिया है वो भी करना है। जॉइन द डॉट्स विथ कर्व और स्ट्रेट लाइन्स एंड मेक एटलीस्ट 3 डिजाइंस ऑफ योर ओन। अब देखो आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन्स, यहाँ पे सब स्ट्रेट लाइन्स के जो पार्ट्स है वो ज्वाइन करके क्या हुआ है, एक डिज़ाइन बनी है। यहाँ पे कर्व लाइन से एक डिज़ाइन बनी है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन से एक डिज़ाइन बनी, तो ऐसी कोई भी 3 डिज़ाइंस आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके अब देखो सपोज मैं फ्लावर बनाती हूँ। ओके आपको क्या करना है, डॉट्स ज्वाइन करने हैं और डिजाइंस बनानी है ना। बहुत नाइस एक्टिविटी है, देखो बन गया मेरा फ्लावर। और आप कुछ भी बना सकते हो, आप जोकर का माउथ भी बना सकते हो। सपोज ऐसे हमने ये 4 डॉट ज्वाइन करके क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, फिर ये 3 डॉट्स ज्वाइन करके क्या किया, उसकी कैप की, ये उसका नोज कर दिया, यहाँ पे उसको आईज निकाल दिए, है ना। ये देखो ये बन गया हमारा जोकर, है ना। ऐसे कोई भी 3 डिजाइन आप कर सकते हो स्टूडेंट, जो आपको पसंद हो या आप कर सकते हो। ओके सो आज आपको क्या करना है, जो मैंने नोटबुक में होमवर्क दिया है वो भी कंप्लीट करना है, साथ में मैंने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 140 पे जो दिया है वो भी कंप्लीट करना है। ओके सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।